हेलो गाइज, यू आर गोइंग टू लर्न फॉर फॉरएवर। लर्न फॉर फॉरएवर वेलकम्स यू। डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, इट्स अविनाश हियर। और आज की वर्कशीट है अपनी एक इंग्लिश की छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी सी है, जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में है। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। अबाउट होम चंदू, बंदू एंड कन्नू आर डिस्कसिंग रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। राइट इन योर नोटबुक। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे चंदू, बंदू एंड कन्नू, ये देखिए, ये चंदू, बंदू और कन्नू आर डिस्कसिंग, ये तीनों मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं कि किस बारे में, रिलेटेड टू फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडिया ने फ्रीडम आज़ादी का स्ट्रगल किया है उसके बारे में ये अपने तीनों अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं, तो उसी को देखेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला चंदू का है, देखिए चंदू है, बॉर्न इन गुजरात। ये चंदू अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने अपनी बात रख रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, और किसी को कोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो देखिए किसको बता रहे हैं, बॉर्न इन। अच्छा देखिए, ये यहाँ पे इन आया है, सॉरी, इन का मतलब है जब आप किसी क्षेत्र की बात करें, किसी राज्य की बात करें, किसी देश की बात करें कि इस देश में, तो वहाँ पे इन आता है, यहाँ पे ये वाला इन। तो बॉर्न इन, जन्म हुआ, बॉर्न इन गुजरात, बॉर्न इन इंडिया, बॉर्न इन अमेरिका, ये कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पे ऑन आया है, ऑन का मतलब है जब कभी स्पेसिफिक डेट आए, जैसे अक्टूबर सेकंड आ रहा है, देखिए अक्टूबर सेकंड 1869, तो यहाँ पे अक्टूबर सेकंड आ गया है, स्पेसिफिक डेट आ गया, इसलिए इस डेट को से पहले ऑन आएगा, ये वाला ऑन ये। और अगर यहाँ पे सिर्फ ये आता, ये 1869 ये आता सिर्फ, ये डेट नहीं आती, तो फिर इसमें इन आता। और फिर से इसको देखते हैं कंप्लीट। बॉर्न इन गुजरात ऑन अक्टूबर सेकंड 1869 स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह। और चंप यहाँ पे ये देखिए, चंपारण सत्याग्रह शुरू करते हैं इन 1917। देखिए यहाँ पे इन आया है 1917 से पहले। जब स्पेसिफिक ईयर की बात करते हैं, स्पेसिफिक डेट की बात करते हैं, तो वहाँ पे ऑन आएगा, ईयर की बात करेंगे तो इन आएगा। किसी स्थान की बात करेंगे, जैसे किसी कंट्री की, तो वहाँ पे इन आएगा। किसी राज्य की बात करेंगे तो इन आएगा, लेकिन किसी स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे एट आएगा। आगे देखते हैं, स्टार्टेड चंपारण सत्याग्रह इन 1917 एंड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन इंडिया सब फ्रीडम स्ट्रगल। और उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत करी, और इमेंस मतलब होता है ज़्यादा, काफ़ी, और काफ़ी इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया किस में, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, थ्रू किसके द्वारा, नॉन कोऑपरेशन मतलब कि असहयोग एंड सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, एंड सिविल डिसोबीडियंस मतलब कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने नमक जैसे साधारण चीज़ पे भी कानून बनाया होता कि आप नमक यूज नहीं बना नहीं सकते, और आप, हम नमक बना के देंगे आपको और हमें टैक्स दोगे, वो हमसे नमक पे भी टैक्स लेते थे, इतना एक्सप्लोइटेशन, शोषण होता था हमारा। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि हम नहीं मानते आपके इस तरीके के कानून को, और उन्होंने नमक बनाकर अपने हाथ से लेकर दांडी यात्रा, जो प्रसिद्ध यात्रा है, 234 किलोमीटर की यात्रा करके गुजरात के साबरमती से दांडी तक जाकर और नमक लेकर समुद्र के किनारे से, और इसको एक बड़ा मूवमेंट बनाया था, इसको आंदोलन का रूप दिया था। तो ये कौन है, आप समझ पा रहे होंगे जी। और
एक चीज कमेंट सेक्शन में, कमेंट में जाके आप कमेंट करेंगे कि 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको लिखना है। आप जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, स्टूडेंट्स मेरा, आप ज़रूर जाके वहाँ पे कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये ज़रूर लिखें और अपना नाम लिखें। ठीक है बच्चों, थैंक्स। आगे देखते हैं, ये तो बात हो गई चंदू की। चंदू ने बताई ये सारी बातें उनके बारे में, किनके, जिनके बारे में आप समझ रहे हैं, जिनके बारे में ये सारी डिटेल दी गई है, ये आप देखेंगे, आप बताएंगे कि ये किनके बारे में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला है कुन्नू का स्टेटमेंट। कुन्नू कहती है कि ये जो हैं, ये बॉर्न इन प्रयागराज, ये प्रयागराज में जन्म होता है इनका, इलाहाबाद, ऑन 14 नवंबर 1889, और ये होते हैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, रोट अ बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये इंडिया के, स्वतंत्र इंडिया के पहले प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने एक बुक लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये कन्नू किसके बारे में बता रही हैं आप समझ पा रहे होंगे, और 14 नवंबर उस व्यक्ति से ज़्यादा संबंधित है, उस दिन हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं, तो ये आप समझ पाएंगे और लिखेंगे इसको। ये सारी, इन सारे स्टेटमेंट को, इसको भी आपको कॉपी में लिखना है, और इसके बाद जैसे लिख के और उसका आंसर भी यहीं पे इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है, और ये ख़त्म ही हो जाएगा इस तरीके से, एक सेकंड देखिएगा। ये है बंधु का। बंधु कहते हैं बॉर्न इन मध्य प्रदेश, इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में, जिसकी ये बात कर रहे हैं, बॉर्न इन मध्य प्रदेश ऑन अप्रैल 14 अप्रैल को इन 1891 में इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल को, हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हमारा जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी तो वैसे पहले ही बैठ गई थी, लेकिन 1947 से लेकर 1950 तक जब हमारा संविधान निर्माण हुआ, बन के तैयार हुआ, इतने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो टाइम लगा, हमने क्या किया, अपने देश का अपना संविधान बनाया। तो जो संविधान बन रही थी, उसकी जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा था, उसका जो प्रारूप था, देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का जो उसका रूप देना है, उसके अध्यक्ष थे, कई कमेटियां बनी हुई थी अलग अलग, तो उसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओ, मैंने तो आंसर बता दिया। खैर, अब देखिए, बॉर्न इन मध्य प्रदेश ऑन अप्रैल 14, 1891, हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान निर्माण सभा जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट करने वाले की संविधान होगा कैसे, उसके ये हेड थे। अवार्डेड भारत रत्न, और इनको बाद में भारत रत्न मिलता है इनके इनकी मृत्यु के बाद, अवार्डेड भारत रत्न पोस्टमिसली। पोस्टमिसली का मतलब होता है मृत्यु के बाद, इन 1990। तो ये है ओवरऑल, किसके बारे में समझ पाए आप, डॉक्टर साहब के बारे में। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को कर लेंगे। उसके बाद ये पजल है, देखिए इसमें 5 कह रहा है कि इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ढूंढने हैं, तो इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ से देखिए, ये लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसके बाद ये देखिए भगत सिंह, यहाँ से ये भगत सिंह बी से, उसके बाद तीसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, और चौथा इधर लक्ष्मी बाई, यहाँ देखिए ये लक्ष्मी बाई, और यहाँ है एक सेकंड, और कहाँ है वो देख लेते हैं, एक और देखते हैं, और ये है वल्लभ भाई पटेल, ये वाला यहाँ पे इस लाइन में, ये वल्लभ भाई पटेल, यहाँ तक ये देखिए ये, ठीक है, ये पूरा वल्लभ भाई पटेल इस लाइन पे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप
आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से और इसको कॉपी में लिखेंगे, इसके आंसर लिखेंगे। और ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम ही लिख दीजिएगा ऐसे ऐसे, इतनी बॉक्स बना के मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक्स गाइज अभी के लिए, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, और हम जो भी पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कि सिर्फ पेपर ही नहीं भरना है हमें, ये इन बातों को, इनसे कुछ सीखकर अपने दिमाग को भी मजबूत करना है, दिमाग में भी कुछ रखना है। तो थैंक्स गाइज। और एक चीज़ और, आप जो भी लिखते हैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखते हैं, आप जो भी लिखते हैं वो इसलिए नहीं लिखते हैं कि आपको लिखना है, आप इसलिए लिखते हैं कि वो किसी को पढ़ना भी है। तो ध्यान देंगे इस बात पे, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए आपकी। थैंक्स गाइज, हैव अ नाइस डे।